के छ हजुरआमा? राम्रै छ, राम्रै छ, सन्चै छ। तिहार कसरी मनायो? तिहार तिहार त म त अब लाग्यो कि लागेन, लाग्यो कि लागेन। अब मेरो त्यौरा नि अहिले कि भोलि भनेको छ होइन, कभी आपने देखा नहीं होगा गांव कैसा होता है, तो आज मैं दिखाऊंगा गांव। अभी मैं घूम रहा हूँ नेपाल में, और देख सकते हो ये नेपाल का मतलब ये शहर से बहुत दूर है और ये गांव है। तो यहाँ पे देखो घर के पीछे जो दिख रहा है ये सब पूरा धान का खेत है, यानी कि अभी धान का फसल बहुत ज़्यादा है। तो ये मेन रोड है, मेन रोड से हम लोग जाएंगे अभी बॉर्डर के साइड में, तो आपको वो भी दिखाएंगे धीरे धीरे। तो सुबह इस आपको वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है, तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो ऐसे ही वीडियो इंटरेस्टिंग मिलते रहेंगे। तो फिलहाल मैं अभी जा ही रहा हूँ, तो आपको आगे और दिखाता हूँ। आवाज़ थोड़ा सा कम सुनाई देगा क्योंकि मैं माइक को भी नहीं लगाया, माइक चल रही है तो आवाज़ हवा के कारण आपको थोड़ा कम सुनाई देगा, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। देखिए हम माइक भूल गया हूँ। क्लीन है और ज़्यादा भीड़ भाड़ कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा यहाँ पे। चारों तरफ पेड़ पौधे लगा हुआ है कितनी खूबसूरत सा, और यहाँ पे ज़्यादा गर्मी नहीं महसूस होगा आपको। कुछ लोग क्रेन बोर्ड खेल रहे हैं, जो से लोग नेपाली है पूरा पूरी तरह। और ये देखो नेपाली आंटी एक आ रही है। के छ हजुरआमा? राम्रै छ, सन्चै छ। तिहार कसरी मनायो? तिहार 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 त म त अब लाग्यो कि लागेन, लाग्यो कि लागेन। अब मेरो त्यौरा नि अहिले कि भोलि भनेको छ होइन, अनि मेरो त्यौहारको छोरा भर्खर गएको हो, लाग्यो लागेन, कस्तो कस्तो तिहार आयो, कस्तो तस्के आयो। नेपाली भाषामा बोला होगा ये आन्टी या दादी माँ बोल सकते हो, तो अब लोगों समझ में नहीं आया होगा, जो लोगों नेपाली समझ में आया होगा वो लोग समझता होगा। तो खैर ठीक है, तो ये अच्छा है, बातचीत करके हमें अच्छा लगा और आप लोगों को भी शायद कुछ नया देखने को मिला होगा इस ब्लॉग में। तो जैसे देख सकते हैं ये है चपरामाड़ी, छोटा सा शहर है नेपाल का। यहाँ देखो ये देखिए घर कितना खूबसूरत है यहाँ पे।